ये है यहाँ पर मेरे पास एक स्मार्ट वॉच जो कि है S8 Ultra Max, और आपको पता चल गया होगा ये एप्पल वाली वॉच है जो कि कॉपी मार्केट में देखने को मिलती है। तो ये भी मैं लेके आ चुका हूँ करोल बाग से, और आपने प्राइसिंग तो देख ही ली होगी कितनी की मेरे को मिली, आपको भी 1000 रुपये तक मिल सकती है। कैसे और ये वॉच आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए आज की इस वीडियो में मैं पूरे बताऊँगा। जल्दी से हम इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरह से ये डिब्बा है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से वॉच का ये देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर ये वॉच की कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है वॉच के बारे में, क्या है क्या नहीं मिलता, और बाकी सब कुछ है। इंग्लिश और चाइनीज दोनों में आपको देखने को मिलता है। इसको साइड में रख देते हैं हम यहाँ पर फिलहाल। ये है हमारे फिर वॉच जो कि मैंने छुटा के रख दी थी, इसके ऊपर ये लगा हुआ आता है, ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पर स्मार्ट वॉच जो कि कुछ इस तरह से। इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है एक आपको यहाँ पर स्ट्रैप जो कि यहाँ पर ये है ऊपर नीचे के, इसको भी हम लगा के दिखाएंगे। और यहाँ पर मिलता है हमें एक ये चार्जर, इसको भी हम चार्ज करके दिखाएंगे। तो बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं, बस यही सब देखने को मिलता है। हमें वॉच देखने को मिलती है, सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी बात कर ली। तो इधर की साइड आप देख सकते हो इसमें स्पीकर है एक, ये बैक बटन यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो, फंक्शन बटन आप इसको बोल सकते हो। और इधर की साइड हम बोले ये क्राउन दिया गया जो कि टक टक करता है, बिल्कुल काफ़ी अच्छी फीलिंग आपको देगा, मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक वाला फील आपको देगा। और ये एक पावर ऑन बटन आपको देखने को मिलता है, और बीच में एक माइक्रोफोन भी दिया क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग आती है, तो आप इस पर कॉलिंग पर भी बात कर सकते हो। और इधर की साइड आपको स्ट्रैप्स दिए गए, नीचे की साइड भी, इधर की साइड भी स्ट्रैप है, और नीचे की साइड हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ना स्क्रूज वगैरह दिए गए जो कि रियल देखने में लगते हैं, देख सकते हो बिल्कुल रियल है। और मैं आपको ऑलरेडी एक चीज़ और बता दूं, मेरे पास एक ऑलरेडी एक और वॉच है जो कि मैं आपको वीडियोस वगैरह में आपने मेरी देखी होगी साइड में रखी हुई, इसके अंदर इस तरह का कोई भी स्क्रू वगैरह नहीं देखने को मिलता है। ये जो है ना स्क्रू यहाँ पर डिज़ाइन किए हुए हैं, तो ये चीज़ देखने में थोड़ी सी अजीब सी लगती है। और ये वॉच थोड़ी सी हल्की भी और ये वॉच थोड़ी सी भारी है, तो आप कभी भी जाओ लेने तो आप ये चीज़ जरूर से नोटिस करना, जो स्क्रूज़ है वो रियल है या फिर फेक है, वैसे ये भी नहीं खुलने वाले बट ये देखने में रियल लगती है, तो आप जरूर से ये वाली वॉच लेना। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं इसको यहाँ पर चालू, तो इसको चालू या फिर ऑन करने के लिए ये वाला बटन है, इसको दबा के रखना है और हमारी जो वॉच है वो ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो वॉच है वो ऑन हो चुकी है, और ये कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट लुक जो वो कुछ इस तरह से देगा। और यहाँ पर जो स्ट्रैप्स है ये भी यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, लगाना बहुत ईजी है, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ उस तरह से आप इनको लगा सकते हो। तो स्ट्रैप लगने के बाद कुछ इस तरह से आपकी वॉच जो देखने को मिलने वाली है साइड में रखी हुई, ये भी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है जो कि यार काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसमें कोई AMOLED डिस्प्ले आपको वगैरह नहीं देखने को मिलती, नॉर्मली एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम कुछ वॉच की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले इसके क्राउन को अगर आप इस तरह से घुमाओगे तो इसमें जो काफ़ी सारे वॉच फेसेस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसका जो एप्लीकेशन है उसमें भी काफ़ी सारे वॉच फेसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको सिंपल बॉक्स पर QR कोड बना होगा उसको सर्च करोगे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको डायल का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप जैसे टैप करोगे तो यहाँ पर आपको डायल मोबाइल पे क्लिक करना। इसमें जाने के बाद ये देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी सारे वॉच फेसेस हैं जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हो, जो भी आपको पसंद हो तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। मान के चलो मेरे को ये वाला पसंद है, बट यहाँ पर कुछ ना पेड भी दे रखे, देख सकते हो यहाँ पर 1.0 लिखा हुआ है और कुछ यहाँ पर फ्री है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री, तो जो भी आप फ्री हो मान के चलो ये फ्री है, तो इस पर हम जाएंगे रिडीम पर टैप करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा आएगा और यूज़ इमीडिएटली भी करेंगे, और हमारी जो वॉच है वो कनेक्टेड रहनी चाहिए, उसके बाद ये कुछ इस तरह से होगा और हमारा जो वॉच फेस है वो लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉच फेस जो लग चुका है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, तो जो भी आपका वॉच फेस है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, और जो जो मैंने प्रीवियसली लगाए थे वो मेरे यहाँ पर आपको शो करने लग जाएंगे। ये सारे मैंने यहाँ पर लगाए थे, मान के चलो मेरे को ये लगाना ओके करूँगा और यहाँ पर गेट टाइल पर क्लिक कर दूंगा और ये हमारा वॉच फेस जो वो यहाँ पर लग जाएगा, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम डायल की तो हम बात कर रहे थे, कुछ इस तरह से डायल करोगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। इस बटन पर टैप करोगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा। अब इसको चेंज करने के लिए सिंपल स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स जो आपको देखने मिलेगी, पहले आपको इस पर क्लिक करना है, स्वाइप अप करोगे यानी कि स्वाइप अप करोगे यहाँ पर जाने के बाद ये सारे काफ़ी सारे स्टाइल्स है, इस पर टैप करोगे तो आपको एक अलग ही स्टाइल देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, तो जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ से लगा सकते हो। काफ़ी सारे स्टाइल्स वगैरह दिए गए इसके अंदर, यहाँ पर आप चले जाओगे यहाँ पर आप देख लिस्ट वाला भी दिया गया, तो आप ये लिस्ट वाला जो है ये भी यहाँ पर लगा सकते हो, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया। इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है कि क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलता है, ब्लूटूथ यहाँ पर म्यूजिक ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, A to Z चीज़ें दी गई हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो।
तो और यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और चीज़ की। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है, इस पर टैप करके वॉचेज आ जाते हैं, लेफ्ट करोगे तो कुछ इस तरह से वेदर वगैरह ये सारी चीज़ देखने मिल जाएगी। यहीं से आप इस पर टैप करके सेटिंग वगैरह ओपन कर सकते हो, और राइट करोगे तो ये सारे वॉच फेसेज जो ये आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हो। अगर आपको क्राउन से नहीं करना तो यहाँ से आप कर सकते हो। इधर वाला जो बटन है इस पर आप टैप करोगे तो स्पोर्ट मोड जो है वो ऑन हो जाएगा, इसमें जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और ये वाला बटन जो है ये यहाँ पर सिंपल बैक वाला बटन है, इसको यहाँ पर बैक हो जाता है, उस पर टैप करके रखोगे तो यहाँ से ये शट डाउन वाला ये आ जाता है, इस पर टैप करोगे तो शट डाउन भी हो जाएगा। बाकी स्वाइप अप से तो मैंने आपको दिखाई दिया था, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और ब्लूटूथ है, यहाँ से आप ब्लूटूथ परमानेंट ऑफ भी कर सकते हो कि किसी भी डिवाइस से कनेक्ट ना, और बाकी आपकी मर्जी है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी दी गई, जैसे कि टॉर्च यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर आपको ब्राइटनेस कितनी रखनी कितनी नहीं वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, स्मार्ट बोर्ड। और यहाँ पर म्यूजिक वगैरह भी, आप जब म्यूजिक सुनोगे फोन में तो यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो, नेक्स्ट भी कर सकते हो, प्यूज भी कर सकते हो, और आपको प्रीवियस वाला चाहिए वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें देखने मिल जाती है इस वॉच के अंदर। कुछ मेन चीज़ की हम बात कर ले इस वॉच के अंदर, तो वो है हमारा डायलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं 198 पे कॉल लगा देता हूँ, यहीं से हम कॉल भी लगा सकते हैं, डायल का ऑप्शन आएगा, ओके पे हमने टैप किया और यहाँ पर हमारा कॉल जो लग चुका है ये आपको सुना देता हूँ मैं। तो आपने सुना होगा वेलकम टू जियो, और यहाँ पर ये जो कॉल है हमारी यहाँ पर लग चुकी है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कॉल जो वो लग चुकी है और हमारे फ़ोन में जो है यहाँ पर कॉलिंग दिखा रहा है। तो आप इसकी मदद से अगर आपको नंबर याद है तो वो आप यहाँ पर कॉल लगा सकते हो, वरना आपको नंबर वगैरह यहाँ पर कुछ ऐड वगैरह करने पड़ेंगे, उसकी मदद से भी आप सीधे डायरेक्टली यहाँ से कॉल लगा सकते हो। यहाँ पर नंबर ऐड करके यहाँ पर काफ़ी सारी कॉल जिसको भी आप लगानी वो आप लगा सकते हो। और इसमें जब कॉल आती है तो इसमें जब कॉल आएगी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको रिसीव और यहाँ पर कट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, और वो जो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती है, और इससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉल है वो आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट है भाई, आपको पता चल जाएगा 100%। इसके स्पीकर से आवाज़ नहीं आती, यहाँ पर हम टैप करेंगे कॉल कट जाएगी, स्पीकर में तब आवाज़ आएगी जब आप कॉल को रिसीव कर लोगे, यहीं से आप सुन भी सकते हो और यहाँ से आप माइक से बोल भी सकते हो, बट ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अगर आप बिल्कुल शांत इलाके में या फिर ऑफिस वगैरह में बैठे हो तभी जाके ये ठीक है, अगर आप जैसे कि भीड़ वाड़ा के एरिया में रोड पर चल रहे हो तब ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, आपको फ़ोन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। बाकी इसके अंदर हार्ट रेट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप टैप करोगे ये आपको देखने को मिलता है, बट ये बिल्कुल फर्जी है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये देखने को मिल जाता है क्योंकि इस वॉच में भाई ये जो ये हमारे टेबल का भी BPM दिखा देता है, देख सकते हो यहाँ पर BPM जो हमारे टेबल का भी दिखा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो ओनली फॉर 100 पीस के लिए, और कुछ ज़्यादा यूज़ के लिए नहीं है, और वही छोटे मोटे स्मार्ट फीचर आपको देखने मिलते हैं, क्लॉक वगैरह, आप म्यूजिक वगैरह और कैमरे से फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो, जो कि हर स्मार्ट वॉच में देखने को मिलते हैं, वही सेम फीचर इसके अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो अब मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा कि इस वॉच को आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये जो वॉच है 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वाली वॉच आपको बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप कहीं से लेना चाहते हो नहीं। तो देखो ऑनलाइन आप जाओगे तो आपको कम से कम 2000 से ऊपर ऊपर वॉच मिलेगी, क्योंकि जो लोग इस वॉच को बेच रहे हैं भाई उनको पैसा भी तो कमाना है, अगर वो आपसे 500 से लेकर 1000 रुपये नहीं कमाएंगे तो उनका ये जो भाई बेचना काफ़ी ज़्यादा बेकार है, क्योंकि भाई डिलीवरी चार्ज लग जाते हैं, पैकिंग चार्ज लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बाकी अगर आप दिल्ली में रहते हो करोल बाग जाओ, वहाँ पर आपको 1000 रुपये से कम में ये वॉच मिल जाएगी देखने के लिए, ठीक है। जो मैंने आपको दिखाया S8 अल्ट्रा मैक्स, ये आप जाओगे तो आपको ये 1000 रुपये से कम में मिल जाएगी, 700-800 रुपये में मिल जाएगी। 2-3 वेरियंट भी वो आपको दिखा देंगे, 1500 वाली, 1200 रुपये वाली, 1300 रुपये वाली, बाकी आपकी मर्जी, जो आपको लेना वो आप ले सकते हैं। बट अभी हम बात करते हैं क्या इस वॉच को लेना चाहिए। तो देखो अगर आपको ये ओनली फॉर 100 पीस के नीचे, अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच नहीं है तो आप इस वॉच को ले सकते हो ओनली फॉर दिखाने के लिए कि मेरे पास वॉच है। ये ओनली फॉर टाइम दिखाने के काम आएगी कि आपका कितना टाइम हो रहा है कितना नहीं, वो चीज़ देखने के काम आएगा। आप ये मत सोचना कि मैं इसको यूज़ करूँगा काफ़ी अच्छी तरीके से, नहीं, इस चीज़ का ना 2-3 दिन ही शौक आपको रहेगा, उसके बाद इसकी जो बैटरी है वो आपको थोड़ी सी ऐसे लगेगी कम चल रही है कुछ ज़्यादा चल रही है। रही बात बैटरी की, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार इसका चार्जिंग भी दिखा देता हूँ, इसका चार्जर जो कि मैंने अभी अपना प्लग कर रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको रखूँगा ये कुछ इस तरह से चार्जिंग होने लगती है। तो इसकी बैटरी मेरे को नहीं लगता ज़्यादा आप यूज़ कर पाओगे, इसी से मैं ये वाला चार्ज करके देखूँ तो ये वाली वॉच भी चार्ज होती है, क्योंकि दोनों ही वायरलेस सपोर्ट करती हैं। तो मैं आपको बता दूँ इसकी बैटरी आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन ही यूज़ कर पाओगे, ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे, इसकी बैटरी कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं है। और चार्जिंग की हम बात करें तो आपको 1 घंटा लगा के रखोगे तो आपका पूरा का पूरा चार्ज होएगा, बाकी आपकी मर्जी, आपको जितना लगा के रखना है उतना रखना, क्योंकि चार्ज कभी दिखाता कभी नहीं दिखाता। बट वो ये एक तरह से 100 पीस के नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाकी आपकी मर्जी है, आपको लेना है तो आप करोल बाग से ले सकते हो, या फिर आपको कहीं और से लेना है, ऑनलाइन से लेना है तो वहाँ से आप ले सकते हो। बट मैं कहूँगा जितने में ये वॉच आ रही है 1000-2000-3000 में, इतने में काफ़ी अच्छी अच्छी स्मार्ट वॉच अलग भी आ रही है, जैसे कि आपको फायर वोल्ट की मिल जाएगी, बोल्ट की मिल जाएगी, और भी
काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं उनकी आप वो वॉच ले सकते हो, उनमें एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलती है, इसमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती, ये चीज़ है। और वो जो वॉच है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी, उनकी एक साल तक की वारंटी भी होती है, इनकी कोई वारंटी नहीं होती। आप वहाँ से लेके चले जाओ, जैसे कि दिल्ली में होता है, दिल्ली से आप लेके घर चले जाओ तो आपकी कोई वारंटी नहीं, वहीं है, जो भी चेक करना वहीं पर चेक कर सकते हो, उसके बाद कोई इसकी वारंटी नहीं रहती। और ऑनलाइन भी लोगे तो उसकी भी ऐसा मे भी कोई वारंटी नहीं रहती, क्योंकि ये चाइना का माल है, इसकी कौन क्या ही वारंटी देगा। तो ये चीज़ थी आपको बताने वाली, बाकी आप बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको बाय करनी तो आप बाय कर सकते हो, बाकी तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।